बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की जो आ रही है वो आ रही है अटारी वाघा बॉर्डर से, जहां पर रिट्रीट सेरेमनी को कल से बंद किया गया है। रिट्रीट सेरेमनी पर भी कोरोना वायरस का असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान ने रिट्रीट सेरेमनी बंद करने का फैसला लिया है। डालना नहीं होता, सो फर्क है जी उसमें। ये जो वहाँ पे सैलानी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए भी एडवाइजरीज जी गोल्डन टेंपल पे लगाई गई हैं जी। तो ये आपने सुना, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हर रोज जो रिट्रीट सेरेमनी होती है उसको रद्द कर दिया गया है। कल से वो सेरेमनी नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान ने मिलकर ये फैसला किया है और इसकी वजह जो बताई जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना वायरस का बढ़ता कहर, और इसी के चलते अटारी वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी जो होती है उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। रिट्रीट सेरेमनी पर कोरोना वायरस का असर पड़ा है। भारत और पाकिस्तान ने रिट्रीट सेरेमनी बंद करने का फैसला लिया है। अटारी वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी को कल से बंद किया गया है, यानी कि कल से रिट्रीट सेरेमनी जो है वो अटारी वाघा बॉर्डर पर जो होती है वो नहीं होगी। आपको बता दें कि हर रोज भारत और पाकिस्तान मिलकर रिट्रीट सेरेमनी करते हैं, लेकिन कल से इस रिट्रीट सेरेमनी की जो परंपरा दशकों से चली आ रही है, कल से वो नहीं की जाएगी। अभी कुछ समय के लिए इसको रोका गया है। बताया जा रहा है इसकी जो बड़ी वजह है वो है कोरोना वायरस का बढ़ता कहर। जिस तरीके से लगातार दुनिया के 70 देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस जो है वो अपने पैर पसार चुका है, और इसकी जद में अब कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान भी आते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में अब तक 31 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो वहां भी 10 के करीब मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और इसी वजह से दोनों देशों ने मिलकर फैसला किया है कि कुछ समय के लिए रिट्रीट जो सेरेमनी है उसको रोक दिया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जजबीर हमारे साथ मौजूद हैं। जजबीर, क्या जानकारी है ज्यादा आपके पास इससे जुड़ी? जी बिल्कुल अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा फैसला जो है भारत और पाकिस्तान की सरकार ने मिलकर लिया है। कोरोना वायरस को चलते जिस तरह कोरोना वायरस का जो कहर है पूरे विश्व में फैला हुआ है, और भारत में भी इसके कई जो पेशेंट है वो देखे गए हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं, और पाकिस्तान में भी काफी पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में पर्यटक जो है वो परेड देखने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर पर रोजाना जो है हजारों की लाखों की गिनती में वहां पर पहुंचते हैं, जिसके चलते अब ये फैसला लिया गया है कि पर्यटक जो है अटारी वाघा बॉर्डर की जो परेड है वो नहीं देख पाएंगे। हालांकि तिरंगा जो है रोज की तरह ही लहराया जाएगा, लेकिन रिट्रीट सेरेमनी कल से जो है वो बंद कर दी गई है, और जितने भी पर्यटक हैं उनको यही कहा गया है कि अभी जो है वो परेड फिलहाल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस का जो कहर है पूरी विश्व में जो फैला है, जिसके चलते अब ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही सरकारों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि रिट्रीट सेरेमनी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो गिनती में वहां पर लोग जो है वो पहुंचते हैं रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए, और कोरोना वायरस के चलते एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, गले मिलते हैं, इससे ये खतरा बना हुआ है कि हो सकता है कि इसके कारण जो है कोरोना वायरस और लोगों में फैल जाए, जिसके चलते अब ये अहम और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। एक्सक्लूसिव न्यूज जनता टीवी ने सबसे पहले ये बात उठाई है कि कोरोना वायरस के चलते ही जो बॉर्डर पर है अटारी वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी की जो रस्म है वो नहीं अदा की जाएगी। जी अमित बिल्कुल। जजबीर, क्या इसमें कोई डेडलाइन दी गई है, कब तक इसको रोका गया है, कब तक ये कैंसिल रहेगी, कब तक इसको इसका आयोजन नहीं किया जाएगा, ऐसी कुछ जानकारी? जी अमित, मैं आपको बता दूं कि आज एक विशेष और अहम मीटिंग की गई है, लेकिन हालांकि इसमें ये अभी तय नहीं किया गया है कि कब तक ये रिट्रीट सेरेमनी बंद रहेगी। हालांकि इसमें खाली बंद करने के जो आदेश है वो दिए गए हैं, और उसको फॉलो करने के लिए बताया गया है कि जो अधिकारी है वो किस तरह से लोगों को समझाए और इस बात को जो है लोगों के बीच में लेके जाए, लेकिन ये कोरोना वायरस का जो खतरा है उसको देखते हुए ये बंद करने के भी ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कोरोना वायरस से निपटने का कोई ना कोई तरीका जो है वो निकाला जाए, ताकि अभी भी आज भी कोरोना वायरस के चलते विदेशी जो है वो अमृतसर के रवाड़ा होटल में पाए गए थे और शक हालात में उनको इन्फॉर्मेशन मिली। बहुत शुक्रिया आपका जजबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।